हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है ब्लड एंड गोल्ड। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी एक्शन ड्रामा वॉर मूवी है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है और रॉटेन टोमेटो पर ये मूवी 80% फ्रेश है। इसलिए दोस्तों, हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक हैंड्रिक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि मैदानी इलाके में अकेला दौड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हैंड्रिक के पीछे कुछ गाड़ियां भी आ रही होती है और उन गाड़ियों में बैठे हुए लोग लगातार हैंड्रिक के ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। काफी दूर तक भागने के बाद हैंड्रिक थककर एक जगह पर गिर जाता है। तभी उसका पीछा करने वाले जर्मन सोल्जर उसे घेर लेते हैं और वो लोग उसे मारने वाले होते हैं। पर तभी उन लोगों का कर्नल वॉन स्टैनफील्ड उन लोगों को रोक लेता है और वो कहता है, मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। आगे वो लोग हैंड्रिक के हाथ बांधकर उसे बंदी बना लेते हैं और कर्नल वॉन उससे पूछता है, तुमने हमसे गद्दारी की, हमें धोखा दिया, बताओ तुमने जर्मन सेना को और जर्मनी को धोखा क्यों दिया। तब हैंड्रिक कहता है, क्योंकि मैं ये वॉर नहीं चाहता था, क्योंकि कोई नहीं जानता है ये वॉर क्यों की जा रही है। मैंने अपनी जिंदगी के 6 साल इस काम में बर्बाद किए। तब कर्नल वॉन कहता है, हम सभी लोगों ने इस वॉर में काफी कुछ झेला है पर हम लोगों ने कभी अपने घुटने नहीं झुकाए, पर हम उन लोगों में से जिन्होंने हमेशा जीत हासिल की है। एक्चुअल में हैंड्रिक पहले जर्मन सेना का ही एक सिपाही था पर अब वो सेना में नहीं रहना चाहता था। आगे वो सोल्जर कर्नल वॉन के कहने पर हैंड्रिक को पेड़ से लटकाने की तैयारी कर देते हैं। तब सार्जेंट डॉफलर हैंड्रिक के कान में आकर कहता है, तुमने बहुत कुछ सहा है, अब तुम्हें ज्यादा समय नहीं सहना होगा। आगे वो सोल्जर हैंड्रिक को फांसी पर लटका कर वहां से निकल जाते हैं। जर्मन सेना की वो गाड़ियां अब काफी दूर निकल चुकी होती है और हैंड्रिक की सांसें अभी भी थोड़ी सी बाकी होती है। तभी अचानक एलिसा नाम की एक लड़की आकर हैंड्रिक की रस्सी को काट देती है और एलिसा देखती है कि हैंड्रिक अनकॉन्शियस होकर गिर गया है पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कर्नल वॉन और उनके सोल्जर सोनेनबर्ग नाम के एक छोटे से कस्बे में चले जाते हैं और उस कस्बे के लोग जर्मन सोल्जर को अपने बीच पाकर थोड़े डरे हुए होते हैं, क्योंकि ये उस समय की घटना बताई जा रही थी जब जर्मन सेना के सोल्जर कस्बों को लूट लिया करते थे और वहां के लोगों को मार दिया करते थे। आगे हमें उस कस्बे के मेयर रिचर्ड को बताया जाता है, जिसे आकर उसका बेटा बताता है, डैड यहाँ पर कुछ सोल्जर आए हैं। तब रिचर्ड कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, यहाँ पर अमेरिकन सेना आ चुकी है। तब उसका लड़का बताता है, नहीं ये जर्मन सोल्जर है। और जर्मन सोल्जर का नाम सुनते ही रिचर्ड का मुंह उतर जाता है और वो जर्मन सोल्जर से मिलने की तैयारियां करने लगता है। आगे हमें वापस हैंड्रिक को दिखाया जाता है जो अभी भी घायल होता है और एलिसा उसकी देखभाल कर रही होती है। उस घर में एलिसा के साथ उसका भाई पॉली भी रहा करता था। आगे मूवी में हमें जर्मन सेना के कर्नल वॉन को दिखाया जाता है, जिससे उस कस्बे का मेयर रिचर्ड आकर मिलता है और रिचर्ड कर्नल से कहता है, मैं इस विलेज का मेयर और ग्रुप लीडर हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब कर्नल कहता है, जोहानस लॉयनस्टाइन, क्या तुम इस नाम के बारे में कुछ जानते हो। ये नाम सुनते ही रिचर्ड का चेहरा उतर जाता है। तब रिचर्ड कहता है, हाँ वो एक यहूदी था और वो पहले इस विलेज में रहा करता था। ये सुनकर कर्नल वॉन कहता है, तो मुझे उसके घर पर ले जाओ। आगे रिचर्ड कर्नल वॉन को जोहानस लॉयनस्टाइन के घर पर ले जाता है, जो घर अब पूरी तरह से जल चुका था। रिचर्ड वॉन को कहता है, विलेज के लोगों ने इस घर को जलाया था। तब कर्नल वॉन कहता है, और यहाँ पर रहने वाले लोगों का क्या हुआ, जब लोगों ने लॉयनस्टाइन के घर को लूटा तब उन्हें क्या मिला। तब रिचर्ड कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत फर्नीचर था, कुछ कपड़े थे और थोड़े बहुत बर्तन थे जो यहाँ के लोगों ने अपने पास रख लिए थे। तब कर्नल को रिचर्ड की बातों पर थोड़ा शक होता है और वो कहता है, तुम अब जा सकते हो। तब जाते वक्त रिचर्ड कर्नल वॉन को कहता है, वैसे मैं यहाँ पर एक छोटी सी होटल चलाता हूँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। ऐसा कहकर रिचर्ड वहाँ से चला जाता है। तब सार्जेंट डॉफलर कर्नल वॉन को कहता है, हम यहाँ से एक एक पत्थर हटा देंगे जब तक हमें वो सोना नहीं मिलता। तब कर्नल वॉन कहता है, अगर तुमने उन यहूदियों के साथ थोड़ा संयम बरता होता तो वो हमें सोना छुपाने की जगह भी बता देते। आगे रिचर्ड वहां से जा रहा होता है, तभी उसे एक सोंजा नाम की लेडी मिलती है और वो रिचर्ड को कहती है, ये लोग यहाँ पर सोना ढूंढने आए। तब रिचर्ड कहता है, तुम अभी चुप रहो। तब सोंजा रिचर्ड को कहती है, मुझे उस सोने का पता बता दो और हम लोग यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। तब रिचर्ड कहता है, तुम जैसा सोच रही हो ये इतना आसान नहीं है, मेरे बच्चे है। तब सोंजा रिचर्ड से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हैंड्रिक अभी भी एलिसा के घर पर था और हैंड्रिक एलिसा से पूछता है, तुमने मेरी मदद क्यों की। तब एलिसा कहती है, क्योंकि मैं जर्मन सेना से नफरत करती हूँ, उन लोगों ने मेरे पिता को मारा था। दूसरी तरफ जर्मन सोल्जर अब रिचर्ड के होटल में थे और रिचर्ड उनकी सेवा में लगा हुआ था। तब कर्नल वॉन देखता है कि होटल की लॉबी में सिविलियन लोग भी उनके साथ बैठकर वहां पर ड्रिंक कर रहे थे।
ये देखकर कर्नल वॉन सभी के बीच अनाउंसमेंट करता है, मैंने डिसाइड किया है कि अब ये होटल मेरा हेडक्वार्टर होगा और अब से यहाँ पर कोई भी आम लोग नहीं आएंगे। मूवी के अगले सीन में जर्मन सोल्जर कस्बे के लोगों की मदद से जोहानस लॉन्स्टाइन के टूटे हुए घर से ईंटें पत्थर निकाल रहे थे। आगे वहाँ पर कर्नल वॉन आता है, तब सार्जेंट डॉफलर उन्हें कहता है, हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि फ्रेंच सेना हमारे करीब आ रही है और अमेरिकन सेना भी साउथ वेस्ट की तरफ से हमारी तरफ बढ़ रही है। आगे कर्नल वॉन डॉफलर को वहां से जाने के लिए कहता है। अब मूवी में वापस हमें हेनरिक के बारे में बताया जाता है जो अभी भी एलिसा के घर पर ही होता है और एलिसा ने सुबह सुबह हेनरिक के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा था। तब हेनरिक कहता है, मुझे जल्दी जाना है। ये सुनकर एलिसा कहती है, तुम यहाँ से जाने की इतनी जल्दी में क्यों हो? तब हेनरिक एलिसा को अपनी फैमिली फोटो दिखाता है जिसमें उसकी वाइफ, एक बेटा और बेटी होते हैं। और हेनरिक एलिसा से कहता है, मेरी वाइफ और बेटा बॉम्बिंग में मारे गए है पर मेरी बेटी अभी भी जिंदा है। मैंने सुना है कि वो मेरे पड़ोसियों के पास है और मुझे जल्द से जल्द मेरी बेटी के पास जाना है। तभी एलिसा का भाई पॉली वहाँ पर आता है और वो कहता है, यहाँ पर कुछ ट्रक आ रहे जो हमारे घर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। हेनरिक बाहर देखता है तो ये ट्रक उन्हीं शोल्डर का था जिन्होंने पहले हेनरिक को मारने की कोशिश की थी। इस ट्रक में सार्जेंट डॉफलर अपने सोल्जर के साथ आया हुआ था और जर्मन सोल्जर घर के बाहर बाड़े में बंद मुर्गों को अपने साथ ले जाने लगते है। तभी एलिसा गन लेकर घर से बाहर निकलती है और वो डॉफलर से पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? तब डॉफलर कहता है, मैं अपने सोल्जर के लिए कुछ खाने के सामान का इंतजाम करने आया हूँ, क्या तुम्हें कोई इससे प्रॉब्लम है? तब एलिसा कहती है, तुम ले जा सकते हो पर सारा नहीं, हमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। और ऐसा कहकर एलिसा घर के अंदर चली जाती है। तभी डॉफलर अपने आदमियों के साथ एलिसा के घर के अंदर आ जाता है और वो एलिसा से पूछता है, यहाँ पर और कौन कौन रहता है? तब एलिसा कहती है, यहाँ पर मैं और मेरा भाई पॉली रहता है। तब डॉफलर एलिसा से कहता है, क्या यहाँ पर कोई आदमी भी रहता है? तब एलिसा कहती है, मेरा हस्बैंड है पर वो अभी वॉर के लिए गया है। यह सुनकर डॉफलर कहता है, तो उसने तुम्हारे साथ आखिरी रात कब बिताई थी? और तुम्हें भी पता है कि वो अब यहाँ पर वापस नहीं आने वाला, वो मारा जा चुका होगा। और ऐसा कहकर डॉफलर एलिसा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तब जर्मन सोल्जर एलिसा के भाई पॉली को भी घर से बाहर निकाल देते है और डॉफलर एलिसा को पकड़कर टेबल पर लेटाने लगता है और अपने आदमियों से उसके हाथ पकड़ने के लिए कहता है। ऊपर छिपा हुआ हेनरिक भी ये सब देख रहा होता है और उसे भी काफी गुस्सा आ रहा था। अब डॉफलर एलिसा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तभी उस कमरे में हेनरिक ऊपर से नीचे आ जाता है और वो वहाँ खड़े शोल्जर की छाती में एक रॉड डाल देता है। हेनरिक को अपने सामने जिंदा देखकर डॉफलर भी चौंक जाता है क्योंकि उन लोगों ने तो उसे फांसी पर टांग दिया था। आगे हेनरिक डॉफलर और उसके एक शोल्जर को वहाँ पर मारने लगता है और तब एलिसा भी डॉफलर के ऊपर गरम गरम कॉफी फेंक देती है। आगे बाहर से भी और शोल्जर आ गए थे, तब हेनरिक उनसे भी लड़ने लगता है। डॉफलर के हाथ में भी गन आ जाती है तो वो हेनरिक के ऊपर लगातार फायरिंग करने लगता है। तब हेनरिक अपने सामने एक जर्मन सोल्जर को लाकर उसे धक्का देता है जिसके कारण डॉफलर भी खिड़की से बाहर जा फिकाता है। डॉफलर बुरी तरह से घायल था और जल चुका था इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। तब हेनरिक देखता है कि डॉफलर ट्रक लेकर भाग रहा है, तब वो भी घर से बाहर आता है और हेनरिक लगातार ट्रक पर फायर करता है पर डॉफलर वहाँ से भाग जाता है। आगे हेनरिक और एलिसा उन सभी सामान को देखते है जो जर्मन सोल्जर अपने साथ लेकर आए थे। उन सामान में कई सारी गन्स और ग्रेनेड भी मौजूद थे। तब एलिसा को एक सोल्जर के बैग के अंदर से एक लेटर मिलता है और उस लेटर को पढ़कर एलिसा कहती है, ये सोल्जर सोनेनबर्ग में किसी काम से आए हुए हैं। वो लोग अपने साथ जरूरत का सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तब एलिसा का भाई पॉली कहता है, क्या हम लोग इस गाय को भी अपने साथ ले जा सकते है? तब एलिसा कहती है, नहीं हम नहीं ले जा सकते। पॉली को घर के जानवरों से प्यार होता है क्योंकि वही उन्हें संभालता था और अब उसका उन्हें छोड़कर जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। आगे डॉफलर वापस सोनेनबर्ग विलेज पहुंच चुका था और वहां के डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। आगे डॉफलर कर्नल वॉन को बताता है, शायद वो लड़की होगी जिसने हेनरिक को फांसी से बचाया होगा। मैं कल सुबह सोल्जर के साथ जाऊंगा और उन लोगों से निपट लूंगा। दूसरी तरफ हेनरिक, एलिसा और पॉली ने अपने लिए रात रुकने की जगह ढूंढ ली थी और पॉली को नीचे सुलाकर एलिसा और हेनरिक आपस में बात करने लगते है। अब सुबह होती है और एलिसा की नींद खुलती है। तब एलिसा देखती है कि हेनरिक अभी भी वहां पर बैठकर पहरेदारी कर रहा था। एलिसा हेनरिक से कहती है, क्या तुम पूरी रात सोए नहीं? तब हेनरिक कहता है, मुझे थोड़ी सी झपकी लग गई थी पर मैं वापस जाग गया था। आगे लीजा उठकर पॉली के पास जाती है तो वो देखती है पॉली वहाँ पर मौजूद नहीं था।
और लीजा समझ जाती है कि पॉली जरूर उस गाय के पास गया होगा जिसका वो रोजाना दूध निकाला करता था। दूसरी तरफ पॉली सचमुच में अपने घर पर पहुंच गया था और वो गाय का दूध निकाल रहा होता है। तभी पॉली देखता है कि वहाँ पर वापस जर्मन सोल्जर आ चुके थे और वो अपनी गाय को लेकर वहाँ से भागने लगता है और डॉपलर पॉली को पकड़कर उससे एल्सा और हैंड्रिक के बारे पूछता है, पर पॉली उसे कुछ भी नहीं बताता। तब डॉपलर पॉली की गाय को मारकर सोल्जर से उसके घर को जलवा देता है और वो लोग पॉली को अपने ट्रक में बैठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। तब तक वहां पर दूर पहाड़ी पर हैंड्रिक और एलिसा भी पहुंच चुके थे और वो जर्मन सैनिकों को पॉली को ले जाते हुए देख लेते हैं। दूसरी तरफ कर्नल वॉन अपने सैनिकों के साथ अभी भी लॉन्स्टाइन के घर के बाहर खड़ा होता है और एक सोल्जर लॉन्स्टाइन के घर के मलबे से निकलकर कहता है, हमने चारों तरफ सर्च कर लिया है मलबे के अंदर भी, पर हमें कहीं कोई भी सोना नहीं मिला। यह सुनकर कर्नल वॉन को गुस्सा आता है और वो कहता है, जल्दी इस कस्बे के मेयर को मेरे सामने लेकर आओ। तभी वहां पर डॉपलर भी ट्रक लेकर पहुंच चुका होता है और वो कर्नल से पूछता है, क्या सोल्जर को यहाँ पर कोई सोना मिला? तब कर्नल कहता है, नहीं मिला। और कर्नल पॉली को देखकर कहता है, ये कौन है? तब डॉपलर कर्नल से कहता है, ये उस लड़की का भाई है, पर हैंड्रिक और वो लड़की कहीं भाग गए। तभी वहां पर भागकर रिचर्ड आता है और वो कर्नल से पूछता है, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तब कर्नल वॉन कहता है, वो सोना कहाँ पर है जो लॉन्स्टाइन के पास था? हमें पता है लॉन्स्टाइन के पास एक बॉक्स था जिसे उसने अपने घर में छिपा रखा था और उस बॉक्स के अंदर 31 बड़ी सोने की ईंटें थी। यह सुनकर रिचर्ड घबराने लगता है और वो कुछ नहीं बता पाता। तब कर्नल वॉन पॉली को देखकर कहता है, कस्बे के सभी लोगों को चौराहे पर इकट्ठा करो ठीक 12 बजे। दूसरी तरफ एलिसा और हैंड्रिक भी सोनेनबर्ग विलेज तक पहुंच गए थे और अब विलेज के चौराहे पर पॉली को फांसी देने की तैयारी की जा रही थी सभी लोगों के सामने, ताकि विलेज के लोग डर जाए और कर्नल को सोने के बारे में सब कुछ सही सही बता दे। सोल्जर पॉली को चर्च के ऊपर ले जाने लगते चर्च के ऊपर से फांसी देने। तब चर्च का पादरी उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो डॉपलर पादरी को जाकर मारता है और आगे सोल्जर पॉली को चर्च के ऊपर ले जाते हैं। तब उन्हीं में से एक सोल्जर वहां की विंडो को तोड़कर नीचे की तरफ देखने लगता है। तभी पॉली उस सोल्जर को नीचे की तरफ धक्का देता है और वो सोल्जर नीचे गिरकर मारा जाता है। आगे पॉली उस सोल्जर की गन उठाकर दूसरे सोल्जर को भी फायर करके मार देता है और पॉली उस विंडो से नीचे खड़े जर्मन सोल्जर पर फायर करने लगता है जिससे नीचे अफरा तफरी मच जाती है। तब तक चर्च के पीछे के दरवाजे से हैंड्रिक और एलिसा भी चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं। तब पादरी उन लोगों से कहता है, वो लोग पॉली को ऊपर लेकर गए थे। ये सुनकर हैंड्रिक और एलिसा भी चर्च के ऊपर वाले हिस्से में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पॉली अभी भी जर्मन सोल्जर पर ऊपर से फायरिंग कर रहा होता है। सभी जर्मन सोल्जर छिप गए होते हैं, पर कर्नल वॉन बीच में खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और वो अपने सोल्जर से अपनी राइफल मांगता है। आगे सोल्जर कर्नल वॉन को उनकी राइफल लाकर देता है और कर्नल वॉन नीचे से पॉली के ऊपर निशाना बनाने लगते हैं। तभी हैंड्रिक और एलिसा भी ऊपर पहुंच जाते हैं और एलिसा पॉली को आवाज लगाने लगती है। पॉली पीछे पलटता है और उसी वक्त कर्नल वॉन पॉली के सर पर शूट कर देता है। एलिसा पॉली को देखकर रो रही होती है। तब हैंड्रिक उसे कहता है, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। आगे हैंड्रिक पॉली की बॉडी को लेकर चर्च के नीचे जाने लगता है और एलिसा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। नीचे जाकर एलिसा की नजर कर्नल वॉन पर पड़ती है और एलिसा को कर्नल वॉन पर गुस्सा आता है और वो उनकी तरफ फायर करते हुए दौड़ने लगती है, पर कर्नल वॉन एलिसा को लगातार देखता रहता है। वो उस पर शूट नहीं करता और अपने आदमियों को भी उस पर शूट करने से मना करता है। एलिसा की गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी और वो कर्नल वॉन को नहीं मार पाती और कर्नल वॉन भी एलिसा की तरफ आकर्षित होकर उसे लगातार देख रहा होता है। हैंड्रिक भी वहां खड़ा होकर ये सब देख रहा था। तभी डॉपलर की नजर उस पर पड़ती है और जर्मन सोल्जर हैंड्रिक के ऊपर फायर करने लगते हैं और हैंड्रिक वापस चर्च के ऊपर चला जाता है। आगे डॉपलर बाकी सोल्जर के साथ ऊपर पहुंच जाता है और हैंड्रिक और डॉपलर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करने लगते है। हैंड्रिक के पास है बुलेट्स खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह ग्रेनेड फेंकता है जिससे चर्च के ऊपर की छत उड़ जाती है और हैंड्रिक चर्च के नीचे कूदकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तब जर्मन सोल्जर भी उसका पीछा करते है तो हैंड्रिक उन्हें मार देता है। तभी वहां पर गन लेकर डॉपलर भी पहुंच चुका था और वो हैंड्रिक पर लगातार फायरिंग करने लगता है। डॉपलर की भी बुलेट्स खत्म हो चुकी थी, इसलिए उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और काफी देर लड़ने के बाद वो दोनों ही घर के बाहर आकर गिरते हैं। डॉपलर अब आगे लड़ने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर हैंड्रिक उसके पास से उसका ही चाकू निकालकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है।
तभी ऊपर से जा रहे प्लेन्स उन पर फायरिंग करते हैं और डोफलर वहां से भाग जाता है। हैनरिक के पैर में भी एक रॉड घुस चुकी थी और वो भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। दूसरी तरफ डोफलर और सोल्जर को लेकर वापस उसी जगह पर आता है, पर हैनरिक वहां से अब भाग चुका था। आगे हैनरिक उसी कस्बे में रहने वाली इर्मगार्ड नाम की लेडी के घर पर जाकर छिप जाता है और इर्मगार्ड भी हैनरिक को चोटिल देख लेती है। आगे इर्मगार्ड हैनरिक के पांव से वो रॉड निकालकर उसे पट्टी करती है और उसके बाद कोई इर्मगार्ड के घर का दरवाजा खटखटाता है। इर्मगार्ड दरवाजा खोलती है तो बाहर चर्च का पादरी था और वो अंदर आकर हैनरिक से मिलता है। तब हैनरिक उस पादरी से पूछता है एलिसा के साथ उन लोगों ने क्या किया। तब हैनरिक कहता है वो अभी होटल में है, कर्नल वॉन उसे अपने साथ ले गया है। आगे हैनरिक उस पादरी से पूछता है क्या आप जानते हो कि ये जर्मन सोल्जर यहाँ पर क्या कर रहे। तब वो पादरी कहता है ये लोग यहाँ पर सोना लेने के लिए आए है जो इस कस्बे में है। दूसरी तरफ हम कस्बे के मेयर रिचर्ड को देखते हैं जो अंधेरे में कहीं जा रहा होता है और रिचर्ड एक जगह पर जाकर कस्बे में ही रहने वाले दो आदमियों से मिलता है और रिचर्ड उन दोनों आदमियों से कहता है हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, अगर कर्नल को सोना नहीं मिला तो वो सभी लोगों को मरवा देगा, अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता। ऐसा कहकर रिचर्ड वहां से जाने लगता है। उसी वक्त कुदाल से कोई रिचर्ड पर हमला करता है और रिचर्ड नीचे जा गिरता है। वो हमला करने वाली लेडी सोंजा होती है और सोंजा नीचे आकर उन दोनों आदमियों से कहती है मैं रिचर्ड को और ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए तुम लोग ही कुछ करो। आगे उनमें से एक आदमी वो कुदाल लेकर रिचर्ड को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर रिचर्ड और उन दोनों आदमी को ही गोल्ड के बारे में पता था कि वो गोल्ड उन लोगों ने कहाँ पर छिपाया था और रिचर्ड उस गोल्ड के बारे में कर्नल को जाकर बताने वाला था, इसलिए सोंजा उन दोनों आदमियों के साथ मिलकर रिचर्ड को ही मार देती है और उन दोनों आदमियों के साथ मिल जाती है ताकि वो तीनों उस गोल्ड को शेयर कर सके। आगे हमें कर्नल वॉन को दिखाया जाता है जो एलिसा को सामने बिठाकर उसके साथ डिनर कर रहा होता है और डिनर करने के बाद कर्नल वॉन उस रूम को अंदर से बंद कर देता है और वो एलिसा से कहता है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम मुझे एक लड़की की याद दिलाती हो जिसे मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता था और मैं उसे बहुत प्यार भी करता था, पर वो लड़की कभी भी मेरी वाइफ नहीं बन सकती थी क्योंकि वो एक यहूदी लड़की थी, इसलिए मैंने उसे शूट करके मार दिया। आगे कर्नल वॉन अपने चेहरे पर लगा हुआ मास्क निकालता है और अपनी फूटी आंख से एक रिंग निकालकर रेबेका की तरफ बढ़ने लगता है और उस रिंग को रेबेका को पहनाते हुए कर्नल वॉन रेबेका से कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें दूसरों से प्रोटेक्ट करूंगा। और हम देखते हैं कि कर्नल वॉन का आधा चेहरा खराब हो चुका था जो वो इतने समय तक मास्क के पीछे छिपा के रखता था। दूसरी तरफ वो दोनों आदमी सोंजा को एक कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं जहाँ पर उन दोनों ने रिचर्ड के साथ मिलकर उस सोने को छिपा रखा था। दूसरी तरफ पादरी अभी भी इर्मगार्ड के घर पर होता है और वो हैनरी को गोल्ड के बारे में बताने लगता है। पादरी कहता है जोहानस लॉन्स्टाइन की फैमिली अकेली यहूदी फैमिली थी इस पूरे विलेज में। तब इर्मगार्ड कहती है वो लोग काफी अच्छे लोग थे और अचानक सब कुछ बदल गया, मेयर ने कम्युनिटी मीटिंग में उनके साथ बहुत ही लाउडली बात की थी और मेयर का कहना था वो सिर्फ अपनी नेशनल सोशलिस्ट की ड्यूटी निभा रहा है। उसका कहना था यदि यहूदी फैमिली इस गांव में रही तो जर्मन सोल्जर हम सभी गांव वालों को मार देंगे। तब मीटिंग में मौजूद सभी लोग मेयर की इन बातों का सपोर्ट करने लगते हैं। आगे पादरी कहता है और एक दिन यहूदी फैमिली का बड़ा बेटा जोहानस वापस इस गांव में आया था जो कि एशन शहर में रहा करता था और उसने वहीं पर एक करोड़पति मर्चेंट फैमिली की लड़की से शादी कर ली थी और उसके बाद एक दिन वो यहां पर आया। आगे हमें दिखाया जाता है कि कस्बे के सभी लोग जोहानस के घर के बाहर इकट्ठा हो चुके थे और वो सभी लोग लॉन्स्टाइन फैमिली के यहूदी होने का विरोध कर रहे थे। आगे पादरी हैनरी को कहता है जोहानस को अच्छी तरह से पता था कि यहूदी लोगों को जर्मनी में क्या क्या फेस करना पड़ रहा है और जर्मनी यहूदियों के लिए कब्रगाह बन चुका था, इसलिए जोहानस और उसकी वाइफ ने उनकी कंपनी को भेज दिया और वो लोग अपनी फैमिली के साथ पैलेस्टाइन जाने की तैयारी करने लगे थे। आगे वापस हमें वही घटना बताई जाती है जब लॉन्स्टाइन के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा थी और मौजूदा भीड़ लॉन्स्टाइन के घर के ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। लॉन्स्टाइन अपने बेटे जोहानस के साथ गाड़ी में कोई पेटी चढ़ा रहा होता है, तभी एक पत्थर लॉन्स्टाइन की वाइफ को जा लगता है जिससे गुस्सा होकर लॉन्स्टाइन वहां मौजूद लोगों के भीड़ में जाकर एक आदमी को पकड़कर मारने लगता है और जो सामान वो गाड़ी में चढ़ा रहे थे वो नीचे गिर गया था। सोंजा भी वहीं खड़ी हुई थी और वो देख लेती है जो सामान नीचे गिरा था उसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि सोने की ईंटें थी। तब सोंजा उन सोने की ईंटों पर कंबल डाल देती है और उन सोने की ईंटों को सोंजा और रिचर्ड के साथ साथ उन दो आदमियों ने भी देख लिया था और पादरी भी खड़ा होकर ये सब देख रहा था तो उसने भी सोने की ईंटों को देख लिया था। आगे जो आदमी रिचर्ड और सोंजा के साथ मिला हुआ था वो जाकर लॉन्स्टाइन की फैमिली को मारने लगता है
और वहाँ खड़ी भीड़ भी लॉन्सटाइन की फैमिली को मारने लगती है और रिचर्ड के साथ वो दोनों आदमी मिलकर लॉन्सटाइन के घर को आग लगा देते है। तब वही बेटी इर्मगार्ड कहती है, और उस घटना के बाद हमने रूमर सुने थे कि जोहानस लॉन्सटाइन और उसकी वाइफ रास्ते में ही पकड़े गए थे उससे पहले कि वो यहाँ से पैलेस्टाइन के लिए निकल सके। तब पादरी कहता है, और इससे हमें पता चलता है कि जर्मन कर्नल वॉन यहाँ पर अपने सोल्जर को लेकर क्यों आया है। उसने लॉन्सटाइन के खंडर घर की एक एक ईंट हटवा कर देखी है। तब हेनरिक कहता है, तो वो गोल्ड कहाँ पर है। तब पादरी कहता है, गोल्ड को मेयर रेनकोवर और वर्ड्स ने कहीं छिपा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर बूढ़े लॉन्सटाइन और उसकी वाइफ को विलेज के लोगों ने मार दिया था, पर उनका बेटा जोहानस और उसकी वाइफ वहाँ से भाग निकले थे। आगे वो लोग पैलेस्टाइन जा रहे होते हैं, पर उससे पहले ही रास्ते में कर्नल वॉन के शोल्जर उन्हें पकड़ लेते हैं। पर इससे पहले कि वो लोग सोने के बारे में सब कुछ बताए, डोफलर उन्हें मार देता है, और इसीलिए अब कर्नल वॉन और डोफलर अब सोने की खोजबीन करने आए हुए थे। दूसरी तरफ कब्रिस्तान में सोंजा के साथ रेनकोवर और वर्ड्स नाम का वो आदमी कब्र को खोद रहे होते है, पर उन लोगों को उस कब्र में कुछ भी नहीं मिलता। वो सोना कब्र के अंदर से पहले ही किसी ने निकाल लिया था। आगे सोंजा रेनकोवर और वर्ड्स से पूछती है, वो सोना कहाँ पर है। तब रेनकोवर कहता है, हम दोनों के अलावा सोने के बारे में सिर्फ और सिर्फ रिचर्ड को पता था, और अब वो भी मारा गया। तभी रेनकोवर और वर्ड्स के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगती है कि वो सोना किसने लिया। तब वर्ड्स कब्र में नीचे गिर जाता है और उसके हाथ कुछ लगता है। वो तीनों देखते हैं कि वो एक बाइबल थी, और बाइबल को देखकर सोंजा उस घटना को याद करने लगती है कि उनके अलावा उस सोने को और किसने देखा था। तब सोंजा को याद आता है कि वहाँ पर उस समय चर्च का पादरी भी मौजूद था और उसने भी उस सोने को देख लिया था। दूसरी तरफ पादरी भी हेनरिक को बता देता है कि उसने वो गोल्ड कब्र से निकाल लिया है। तब हेनरिक कहता है, तो मुझे चलकर बताओ वो गोल्ड कहाँ पर है, हम जर्मन सोल्जर को वो गोल्ड दे देंगे जो उन्हें चाहिए। आगे पादरी हेनरिक को चर्च में रखा हुआ वो सोना दिखाता है जो उसने जीसस की मूर्ति के नीचे फर्श के अंदर रख रखा था। दूसरी तरफ एलिसा अभी भी कर्नल वॉन के रूम में थी और कर्नल वॉन के बेड पर लेटी हुई थी। कर्नल वॉन भी वहां पर लेटा हुआ था और उसे गहरी नींद आ रही थी। तब एलिसा को कर्नल वॉन के हाथ में उसकी अंगूठी नजर आती है, और ये अंगूठी वो अंगूठी थी जो अक्सर जर्मन अधिकारी पहना करते थे। इस अंगूठी के अंदर एक साइनाइड गोली हुआ करती थी, और जब भी दुश्मन सेना के लोग जर्मन अधिकारियों को पकड़ते थे तो वो ये टेबलेट खा लिया करते थे। और एलिसा हेयरपिन के जरिए उस गोली को निकालने की कोशिश करती है तो वो गोली दूर फिका जाती है। तब एलिसा बेड से उतरकर उस गोली को उठा लेती है, और उसी वक्त कर्नल वॉन भी जाग जाता है। तब कर्नल वॉन एलिसा से पूछता है, तुम वहाँ पर नीचे क्या कर रही हो। तब एलिसा कहती है, मेरे हाथ से वो रिंग गिर गई थी जो तुमने पहनाई थी, ये रिंग काफी ढीली थी। आगे एलिसा उस कैप्सूल को अपने मुंह में रख लेती है और वो कर्नल के पास जाकर उसे किस करने लगती है, और जो कैप्सूल एलिसा ने अपने मुंह में रख रखी थी वो कर्नल के मुंह में चली जाती है। तभी एलिसा कर्नल के मुंह में एक पंच मारती है और वो कैप्सूल कर्नल के मुंह में फट जाता है। ये देखकर कर्नल कहता है, तुमने मेरे साथ क्या किया, और कर्नल के मुंह से झाग निकलने लगता है, और कर्नल साइनाइड के कारण वहीं पर तड़प तड़प कर मारा जाता है। दूसरी तरफ पादरी अकेला आ रहा होता है, तभी सोंजा पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ डोफलर भी उस होटल के बार में अपने शोल्डर के साथ बैठा हुआ था। तब एक सोल्जर रेडियो से न्यूज सुनकर डोफलर को कहता है, अमेरिकन सेनाएं हमारी तरफ ही बढ़ रही है और वो कुछ ही घंटों में हम तक पहुंच जाएगी। तब डोफलर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए हम गोल्ड के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और उसी वक्त बार की खिड़की पर हमला होता है जिससे सभी सोल्जर नीचे झुक जाते हैं। तब डोफलर देखता है कि उसके पास एक सोने का बार पड़ा हुआ था जिसे बाहर से किसी ने फेंक कर मारा था। डोफलर खिड़की के बाहर देखता है और वो पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए। तब हेनरिक कहता है, मुझे वो लड़की चाहिए एलिसा, और तुम्हें तुम्हारा गोल्ड वापस मिल जाएगा। तब डोफलर कहता है, इसके लिए मुझे कर्नल से बात करनी होगी। तब हेनरिक कहता है, तो जल्दी करके आओ। तब हम देखते हैं कि हेनरिक के पांव से बहुत खून बह रहा होता है। दूसरी तरफ डोफलर कर्नल से बात करने के लिए जाता है और वो दरवाजे को खटखटाता है। कर्नल दरवाजा नहीं खोल रहा था तब डोफलर उस दरवाजे को तोड़ देता है। तब डोफलर देखता है कि कर्नल मारा गया था और एलिसा भी वहां से भाग चुकी थी। आगे डोफलर नीचे जाता है और वो अपने शोल्डर से कहता है, हमारा कर्नल डरपोक था इसलिए उसने साइनाइड खा लिया। उसे डर लगा होगा कि दुश्मन देश की सेनाएं हमारे करीब ना आ जाए। तब सोल्जर पूछते हैं, और उस लड़की का क्या हुआ। तब डोफलर कहता है, वो भी मिसिंग है और अब से मैं तुम्हारा इंचार्ज हूँ। आगे डोफलर बार में ही काम करने वाली रिचर्ड की वाइफ को देखता है और वो हेनरिक से कहता है, वो लड़की मेरे पास है और मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ। आगे डोफलर उस लेडी के चेहरे को कोट से ढककर उसे बाहर लेकर आता है
और उसे हेनरी के पास जाने के लिए कहता है। वो लेडी हेनरी के पास जा रही थी उसी वक्त सोल्जर बाहर ग्रेनेड फेंक देते हैं, जिसके विस्फोट के कारण हेनरिक वहीं पर गिर जाता है और जर्मन सोल्जर हेनरिक के करीब आ जाते हैं और वो सोल्जर देखते है कि हेनरिक वहीं पर बेहोश हो चुका था। दूसरी तरफ लीजा भी बचकर इर्मगार्ड के घर पर जाती है और इर्मगार्ड लीजा से पूछती है हेनरिक कहाँ पर गया। वो तुम्हारी फ्रीडम के लिए उन्हें सोना देने गया था। तब लीजा कहती है मैंने विस्फोट की आवाजें सुनी थी और गन शॉट की आवाजें भी सुनी थी, मुझे हेनरिक को बचाने वापस जाना होगा। तब इर्मगार्ड कहती है रुको। वो अपने कबर से एक गन निकालकर लीजा को देती है और एक खुद अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ सोंजा पादरी के सामने होती है और वो पादरी से कहती है हमें बता दो वो गोल्ड कहाँ पर है, नहीं तो हम इर्मगार्ड के पास जाएंगे, उसे शायद पता होगा कि वो गोल्ड कहाँ पर है। और इधर हेनरिक को भी टोफलर पट्टी कराता है और अपना खून चढ़ाता है ताकि उसे होश आ जाए। हेनरिक को होश आ चुका था तब टोफलर उससे कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मेरा और तुम्हारा ब्लड एक ही ग्रुप का था, चलो मुझे बताओ कि वो गोल्ड कहाँ पर है। दूसरी तरफ पादरी सोंजा रेनकोबर और वर्ड्स को लेकर चर्च में चला गया था सोने का पता बताने। इधर हेनरिक ने भी टोफलर को सोने के बारे में बता दिया था। तब डोफलर और जर्मन सोल्जर हेनरिक को लेकर चर्च की तरफ जाने लगते हैं। इर्मगार्ड और लीजा बाहर गन लेकर छिपे हुए थे तो वो भी उनका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ चर्च के अंदर रेनकोबर और वर्ड्स जीजस के नीचे वाली फर्सी को हटाते हैं तो उन्हें उसके अंदर सोने के वो बार दिखाई दे जाते हैं और वो सोंजा को कहते सोना यहीं पर है। यह सुनकर सोंजा भी सोने को देखने आने लगती है। रेनकोबर सोने के बार को हटाकर देखता है तो सोने के नीचे तीन ग्रेनेड पड़े हुए थे जिनकी पिन अब निकल चुकी थी और उसी वक्त वहां पर एक बड़ा विस्फोट होता है और रेनकोबर और वर्ड्स के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। सोंजा भी थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई थी तो वो भी घायल हो जाती है और पादरी देखता है कि उसका चर्च अब तहस नहस हो चुका था। आगे वहाँ पर डोफलर भी जर्मन शोल्डर के साथ हेनरिक को पकड़कर वहाँ पर लेकर आता है और वो सभी देखते हैं कि वहाँ पर सोने के बार बिखरे हुए पड़े हुए थे। तब डोफलर कहता है तो तुम दोनों ने मिलकर हमारे लिए ट्रैप बिछा रखा था, और ऐसा कहकर डोफलर पादरी को वहीं पर गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर एलिसा और इर्मगार्ड भी चर्च की तरफ बढ़ने लगते है। तभी एलिसा देखती है कि गाड़ी में रॉकेट लॉन्चर पड़ा हुआ था। आगे डोफलर उस सोने को देखता है और एक शोल्डर को ट्रक के अंदर से कैरेट लाने के लिए कहता है ताकि वो सोना उसमें डाल सके। वो सोल्जर बाहर आकर देखता है तो एलिसा रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़ी हुई थी और वो चर्च की छत पर उस रॉकेट लॉन्चर से फायर करती है जिसके कारण पूरी चर्च की छत नीचे गिर जाती है। अब आगे डोफलर और जर्मन सोल्जर बाहर जाकर देखने लगते हैं। तभी पीछे से इर्मगार्ड उन पर फायर करती है और एक सोल्जर को मार देती है। आगे इर्मगार्ड देखती है कि पादरी मारा गया था और गुस्से में वो और लीजा सभी जर्मन सोल्जर को मार देते हैं। अब डोफलर के पास गन नहीं थी और वो एक पिलर के पीछे छिपा हुआ था। तब इर्मगार्ड डोफलर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी डोफलर इर्मगार्ड को पकड़कर उसे मारने लगता है पर वक्त रहते इर्मगार्ड डोफलर के पेट में चाकू डाल देती है और डोफलर घायल होकर नीचे गिर जाता है। इर्मगार्ड डोफलर को मारने वाली होती है तभी एक जर्मन सोल्जर इर्मगार्ड को मार देता है और तब एलिसा चालाकी से उस शोल्डर को भी मार देती है। आगे डोफलर वापस खड़ा हो गया था तब एलिसा उसे शूट करने लगती है पर उसके पास अब बुलेट नहीं बची थी। तब डोफलर एलिसा के करीब जाकर उसे मारने लगता है और हेनरिक भी एलिसा को बचाने की कोशिश कर रहा था पर वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। डोफलर एलिसा के गले को दबाकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है। तब हेनरिक के हाथ में भी एक सोने का वार आ गया था और वो उसे डोफलर के सर पर दे मारता है। डोफलर का बहुत खून बह रहा था तब हेनरिक डोफलर से कहता है तुम्हें गोल्ड चाहिए था ना, तो ये लो गोल्ड। और ऐसा कहकर हेनरिक उस सोने के बार को डोफलर के मुंह में घुसा देता है और इस तरह से डोफलर वहीं पर मारा जाता है। आगे एलिसा हेनरिक को लेकर चर्च से बाहर जाने लगती है तब वहां पर एक और जर्मन सोल्जर मौजूद था जो कि छिपा हुआ था और हेनरिक और एलिसा के बाहर जाने के बाद वो सोने को देखकर खुश होता है। उसी वक्त चर्च में घायल पड़ी सोंजा को भी होश आ गया था और वो गन उठाकर उस जर्मन सोल्जर को मार देती है। गोली की आवाज सुनकर हेनरिक और एलिसा जल्दी जल्दी वहां से जाने लगते हैं। आगे सोंजा चर्च में पड़ा वो सारा सोना उठाकर गाड़ी लेकर टाउन से निकल जाती है। आगे सोंजा गाड़ी लेकर जा रही होती है और रेडियो पर न्यूज चल रही थी कि जर्मन सेना को पूरी तरह से युद्ध में हरा दिया गया है और जर्मनी का डिक्टेटर मारा गया। सोंजा ये न्यूज सुनकर काफी खुश होती है क्योंकि अब उसे किसी भी बात का डर नहीं था और उसके पास काफी सारा सोना भी था। उसी वक्त सोंजा की गाड़ी में एक विस्फोट होता है और सोंजा की गाड़ी उड़ जाती है। ये विस्फोट वहीं से आ रहे अमेरिकन टैंक द्वारा किया गया था। उस टैंक के पीछे अमेरिकन कर्नल की गाड़ी भी चल रही थी।
और एक अमेरिकन सोल्जर कर्नल से कहता है, सर क्या हमें वार्निंग नहीं देना चाहिए थी फायर करने से पहले, क्योंकि वॉर तो अब खत्म हो चुकी है। तब कर्नल कहता है, बेकर तुम क्या चाहते हो कि इन गाड़ी में जर्मन्स बैठे हो और वो हम पे हमला करे। आगे अमेरिकन सोल्जर सोंजा की गाड़ी के मलबे के पास जाकर देखते है तो उन्हें वहाँ पर सोने के बार बिखरे हुए मिलते है और ये देख कर सोल्जर अपने कर्नल को बुलाते है। आगे कर्नल भी बिखरे हुए उन सोने के बार्स को देखता है और एक सोल्जर कर्नल से कहता है, क्या हमें हेडक्वार्टर में इसकी रिपोर्ट करना चाहिए। तब कर्नल कहता है, हाँ हमें करना चाहिए, पर क्या हो यदि हम ना करें तो। ये सुनकर वो सभी सोल्जर खुश होते हैं और वो उन सोने के बार्स को उठाने लगते है, क्योंकि उस सोने को वो खुद ही अब रख सकते थे। सोंजा भी वहाँ घायल पड़ी हुई थी और वो वहीं पर मारी जाती है। दूसरी तरफ वॉर खत्म होने के बाद हैनरिक और एलिसा भी अपने टाउन पहुंचते हैं और वहां पर हैनरिक अपनी बेटी से मिलता है और वो उसे देखकर काफी खुश होता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।